चैनल इशार फूड रेसिपीज। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ अफगानी ऑमलेट, जो कि बहुत ही मजे का बनता है और बनता भी बहुत जल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको डेली रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए जी हम बनाते हैं अफगानी ऑमलेट। अफगानी ऑमलेट बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 4 से 5 अदद मैंने आलू लिए हैं छोटे साइज के। इनको मैंने राउंड शेप में काट लिया है, आप चाहे तो जिस मर्जी शेप में काट लें। एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है, इसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। 2 अदद मैंने बड़े टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं, अगर आप अंडे ज़्यादा यूज करना चाहती हैं तो कर सकते हैं। 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने काट लिया है। और अदरक मैंने लिया है हसबे ज़रूरत, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर लें। हरा धनिया लिया है मैंने आधी घट्टी। 1/4 टीस्पून मैंने ली है हल्दी। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है नमक। 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 चाय का चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। चलिए जी अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जो मैंने आपको कुकिंग ऑयल बताया था वो, और इसमें मैं डालती हूँ जो मैंने आपको पोटैटो बताए थे, और साथ ही मैं नमक जो बताया था वो डालती, सिर्फ नमक डालूंगी, बाकी मैं जो मसाला है वो नहीं डालूंगी। और इनको 1 से 2 मिनट अच्छे से सोते कर लूँगी। बस आपने 1 से 2 मिनट ही करना, ज़्यादा नहीं करना। एक मिनट हो गया है, मैंने आलू को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज डालती हूँ और प्याज को भी इसमें डाल के 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी आलूओं के साथ ही। प्याज को भी मैंने अच्छे से आलूओं में पका लिया है, मतलब कि सोते कर लिया है। अब मैं इसमें बाकी मसाला जार जो मैंने बताए थे आपको वो डालूंगी, मतलब कि मिर्च और हल्दी, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, और इनको इनके अंदर मिक्स कर दूंगी। आप रेड मिर्च की जगह ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेड मिर्च यूज़ कर रही हूँ तो उसमें पका रही हूँ। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। आप इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लें। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर जो मैंने आपको बताए थे 2 बड़े साइज़ के, साथ ही डालती हूँ सब्ज़ मिर्च और अदरक। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ लो फ्लेम पे। बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूँगी। चलिए जी अब चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था 4 से 5 मिनट आलू को टेंडर होने में, लेकिन मुझे 8 मिनट लगे हैं। लो फ्लेम पे मैंने इनको अच्छे से पका लिया है। ये आप देख सकते हैं कि जो पोटैटो है वो अच्छे से टेंडर हो गए हैं, मतलब कि ये नरम हो गए हैं। अब मैं इसमें धनिया डालती हूँ। मिक्स कर देती हूँ। मिक्स हो गया तो इसमें धनिया, अब मैं इनको ज़रा फैला देती हूँ और इसके अंडे डालती हूँ। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, बस आप इनको फैला लें अच्छे से। अब मैं इसमें डालती हूँ अंडे। थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ और एक सब्ज़ मिर्च मैंने काट के रखी थी वो डाल देती हूँ। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अफगानी ऑमलेट हमारा हो गया तैयार।
ये आप देख सकते हैं हमारा अफगानी ऑमलेट हो गया तैयार। अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। ये हमारा अफगानी ऑमलेट हो गया तैयार। आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ या ब्रेड के साथ। ये बहुत ही मज़े का और लजीज बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।